हमारे नेता राम निवास रावत का कद सबने देखना, पूरी सरकार उन्हें शामिल कराने विजयपुर आई। सुनिए क्या बोले नवागत बीजेपी नेता सत्येंद्र सिंह गुज्जर। खबर श्योपुर से है, जहां अभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके साथ उनके कई समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनमें से ही एक रामनिवास रावत के बेहद करीबी और कांग्रेस के जिला महामंत्री रह चुके सत्येंद्र सिंह गुज्जर भी थे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं चुनावी चर्चा पर हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव से उन्होंने तमाम राजनैतिक सवालों के जवाबों के साथ आज बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए नेता पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। आज हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी 2 से 3 दिन पहले ही भाजपा में से दोबारा ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि ये पूर्व में भी भाजपा में थे लेकिन रामनिवास जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, कांग्रेस में चले गए थे, अब पुनः भाजपा में आ गए। हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह गुर्जर जी, जो कि कांग्रेस के जिला महामंत्री भी रहे हैं। सत्येंद्र सिंह गुर्जर जी, क्या कुछ चुनाव को लेकर चल रहा है इस वक्त? जी, चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी बनी हुई है। सभी पार्टियां अपनी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने की ओर अग्रसर है। आप सत्येंद्र सिंह जी, ये बताइए कि अभी कुछ समय पहले आप कांग्रेस में थे, क्या वजह रही कि आपने भाजपा को ज्वाइन कर लिया, जबकि आप कांग्रेस के कट्टर समर्थक माने जाते थे? क्षेत्र में भी आपने कांग्रेस के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार इस दौरान भी किया था। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कांग्रेस में हमने बहुत जी तोड़ करके मेहनत की, कांग्रेस के लिए हमने पोलिंग बूथ जिताने के काम किए, लेकिन जिस लीडर के नीचे हम काम करते थे, जो हमारे आदरणीय रामनिवास जी, उनकी पार्टी की ओर से लगातार अपेक्षा होने से हमें निराशा हाथ लग रही थी। कार्यकर्ताओं का क्या उपेक्षा, मतलब उसमें माना रामनिवास जी को लगातार टिकट मिल रहे थे, 6 बार से टिकट मिल रहे थे, फिर क्या उपेक्षा थी उनकी कांग्रेस पार्टी में? जी, लगातार 6 बार विधायक रामनिवास जी रहे कांग्रेस पार्टी के, 6 बार चुने हुए विधायक को प्रदेश अध्यक्ष ना बनाना, नेता प्रतिपक्ष ना बनाना और लोकसभा टिकट में भी उनकी अनदेखी की गई, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में एक प्रकार की आक्रोश पनपा और लगातार नेता की हमारे की अपेक्षा होने के कारण हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। कुछ लोग बताते हैं सत्येंद्र जी कि रामनिवास जी उपेक्षा का शिकार तो थे ही, लेकिन कुछ अपने निजी स्वार्थ की वजह से भी भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, जैसा कि पोस्टें भी हो रही थी कि पेट्रोल पंप चालू हो जाएगा, दुकानों पर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ है क्या? जी, ये बिल्कुल निराधार आरोप हैं। पेट्रोल पंप तो आप कोई भी आम आदमी जो अपनी हैसियत रखता है तो वो पेट्रोल पंप खुलवा सकता है, इतने बड़े लीडर के लिए पेट्रोल पंप कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्षेत्र के विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा अटक रहा था। लोगों से चुनावी मुद्दों में जो वायदे किए थे उनमें कहीं ना कहीं वायदों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सरकार का हिस्सा नहीं थे, सरकार उनकी बन नहीं पाई। उसके बाद में भी लगातार पार्टी ने उनको अपेक्षित रखा, उसके कारण रामनिवास जी भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये सारी चीज़ें रही कि उनको ऐसा निर्णय लेना पड़ा। अभी आपने बताया रामनिवास जी ने तो पार्टी छोड़ दी, लेकिन विधानसभा चुनावों में जो एक बड़ा चेहरा निर्दलीय के रूप में उभर के आया था, मुकेश मल्होत्रा जी ने, जो अभी उन्होंने भी 1-2 महीने पहले भाजपा ज्वाइन की, अब वो भी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं आज प्रियंका गांधी जी की सभा में, तो क्या होगा? रामनिवास जी के जाने से भाजपा को जितना फ़ायदा होना था उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि रामनिवास जी एक इतना बड़ा चेहरा, जो 6 बार के विधायक रहे हैं, मुकेश मल्होत्रा जी से उनकी तुलना करना मैं कहीं भी सही नहीं मानता हूँ। मुकेश मल्होत्रा जी का एक तो ये है कि वो विधायक बनने की इतनी जल्दबाजी है कि कोई भी पार्टी अगर उनको विधायक का टिकट देने का लालच दे दे तो वो इस्तीफा अपनी जेब में लेके तत्पर बैठे रहते हैं, इसलिए ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। निश्चित रूप से रामनिवास जी ही उपचुनाव को जीतेंगे और पार्टी में कैबिनेट में उनको दर्जा मिलेगा। सत्येंद्र जी, आप मुकेश मल्होत्रा जी को कम आंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने 44 से 45 हज़ार वोट अभी हासिल किए थे, यदि यही वोट बैंक उन्होंने कांग्रेस को दिलवा दिया अभी 7 मई के चुनाव में, तो क्या स्थिति रहेगी कि भाजपा अपनी सीट सुनिश्चित मानेगी फिर?
जी विक्की जी, निश्चित रूप से दोनों चुनावों में काफ़ी अंतर है। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव अपने एक अलग स्तर के चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव में जो मुकेश मल्होत्रा जी 44,000 समथिंग जो वोट लेके आए थे, वो एक आदिवासी विधायक के लिए जो उनके समाज ने उनके लिए जो 100% मतदान किया, उसमें एक कारण और भी रहा कि जिस प्रकार से वर्तमान समय में विधायक सीताराम जी थे, उनका टिकट जो पार्टी ने किसी कारणवश काट दिया, उसका आदिवासी समाज में रोष था, उसका फायदा भी मुकेश मल्होत्रा जी को मिला। दूसरी बात, अब लोकसभा चुनाव में किसी और प्रत्याशी के लिए वोट दिलवाना और खुद के लिए वोट मांगना, इन दोनों कड़ियों में बहुत अंतर है। अब ज़्यादा मुकेश मल्होत्रा जी लोकसभा चुनाव में किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आदिवासी समाज भी अपनी सुविधाओं के हिसाब से वोट करेगा। जो उनको आज जिस प्रकार से मोदी सरकार उनके लिए आवास दे रही है, उनको लाडली लक्ष्मी योजनाओं का लाभ दे रही हैं, उसके हिसाब से आदिवासी समाज भी काफ़ी जागरूक हो चुका है। आप राम निवास जी के कट्टर समर्थक हैं और उनसे आपकी नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, तो कितने कार्यकर्ता आप राम निवास जी के साथ भाजपा में गए हो? जी, कई हजारों की संख्या में राम निवास जी के साथ उनके समर्थकों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और राम निवास जी के कंधे मजबूत किए हैं। ये बताइए, राम निवास जी यहाँ तो उपेक्षा का शिकार हुए हैं, यदि भाजपा में भी वो इस तरह उपेक्षा के शिकार हुए और क्या एक्शन होगा उनका? बिक्की भैया, राम निवास जी का कद हम सभी ने देखा है। आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी श्योपुर जिले से जो नामी दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली, वो दिल्ली या भोपाल जाकर ली है। राम निवास जी के कद को आप ऐसे ही आंक सकते हो कि उन्होंने पूरी सरकार को विजयपुर बुलाकर समस्त कार्यकर्ताओं के समक्ष उनके बीच में शपथ लिए। तो इसलिए राम निवास जी के लिए तो आपने मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी देखा होगा कि वो कितने बेचैन थे कि राम निवास जी जैसा दिग्गज नेता उनकी पार्टी में आए। तो राम निवास जी भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारे क्षेत्र के विकास को उन्नत और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। एक बात और है इसी पूरी कड़ी के बीच में कि यदि उपचुनाव होता है, उपचुनाव राम निवास जी लड़ते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी इस क्षेत्र में? जी, निश्चित तौर पर ये सौभाग्य का विषय है कि अभी तक इस क्षेत्र में जब विधायक हमने बनाया है तो वो सरकार का हिस्सा नहीं हुआ, और राम निवास जी जैसे दिग्गज बड़े नेता के आने से उपचुनाव तो हम निश्चित रूप से 100% जीत ही रहे हैं। इसी के साथ में हम सरकार का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। राम निवास जी निश्चित तौर पर कैबिनेट में उनको दर्जा मिलेगा और कैबिनेट मंत्री के रूप में जब वो आएंगे तो हमारे श्योपुर जिले का सर्वांगीण विकास होगा। अभी देखिए, राम निवास जी को 2 दिन हुए पार्टी में आए हैं और एक नेता पार्टी छोड़ गया है, क्या ये दौर अब जारी नहीं रहेगा? सुनने में आ रहा है कि कुछ और भी नेता बीजेपी छोड़ सकते हैं। जी, स्वार्थ बस तो नेता पार्टियां छोड़ते ही हैं, जो बीजेपी को ऐसे समय पर अगर कोई छोड़े तो वो नेता हो ही नहीं सकता। हाँ, पार्टी छोड़ी जाती है अगर पार्टी में जनता की समस्याओं को पूरा नहीं करवा पा रहे हैं या पार्टी क्षेत्र के विकास की ओर प्रतिबद्ध नहीं हो। क्षेत्र के विकास की ओर अगर पार्टी क्षेत्र की जनता का सम्मान नहीं रख रही है तो फिर नेता को क्षेत्र की जनता और विकास के लिए पार्टी छोड़ना पड़ता है। यही काम हमारे राम निवास जी ने किया था, क्योंकि क्षेत्र की जनता के साथ में न्याय नहीं हो पा रहा था, उनके विकास अधूरे रह रहे थे। सत्येन जी, जिस उद्देश्य से आप और विधायक राम निवास रावत जी पार्टी में गए हैं, वो उद्देश्य पूरा होता है, कैबिनेट में मिनिस्टर बनते हैं यदि, तो आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप उनसे आस लगाए बैठोगे कि मिनिस्टर बनने के बाद वो उन समस्याओं को पूरा कर सकें? बिक्की जी, सबसे हमारी जो प्रमुख समस्या है कि हमारे जो बनग्राम हैं, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, शासकीय सारी योजनाओं से वंचित रहते हैं, उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला मुद्दा राम निवास जी का कैबिनेट में जाने के बाद उनसे ये रखेंगे कि राजस्व ग्रामों को मंजूरी प्रदान करें और बरगवा फीडर 16
किलोमीटर तो हमारे गांव से पड़ता है, बल्कि हमारे गांव के आगे भी पातलगढ़ झरेर वहां तक बहुत लंबी लाइन है जो 30-35 किलोमीटर का एरिया हो जाता है, जिसके कारण विद्युत सप्लाई सही प्रकार से नहीं मिलती है। तो हम सेंटर में विद्युत सब स्टेशन की भी मांग रामनिवास जी के समक्ष रखेंगे। उसके साथ में ही क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा के लिए हम छात्रावास की मांग रखेंगे कि एक अच्छा छात्रावास हमारे बच्चों को मिले ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े। दूसरी बात, पानी की समस्या बहुत रहती है, कुछ अच्छे डैमों के निर्माण की भी उनसे मांग रखेंगे। और स्वास्थ्य सुविधाओं में और स्टाफों की कमी है, और जड़ी बूटी से जुड़ा हमारा पूरा क्षेत्र एक अच्छा सा उद्योग लगे, जिससे हमारे क्षेत्र को रोज़गार मिले, हमारे आदिवासी बंधुओं को भी रोज़गार से जुड़ाव हो और उनकी जड़ी बूटी अच्छे दामों में बिके, ये मांग भी हम निश्चित रूप से सरकार के सामने रखेंगे।